नमस्कार छात्रों, मैं अलका पांडे सेंट जोसेफ एकेडमी गाजियाबाद की हिंदी शिक्षिका आप सभी को आज पुस्तक अमोदनी का पाठ 3 जमीन की भूख पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है जमीन की भूख। एक व्यक्ति है, उसे जमीन की बहुत भूख है, बहुत लालची है, उसी के विषय में यह कहानी है। भूख यानी कि और इच्छा, और चाहिए जमीन, और चाहिए, इसी से संबंधित यह कहानी है। इस कहानी में जो लेखक हैं वो यह बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा संतोषी होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा जीवन जो है बहुत ही बेकार हो जाएगा। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए उनका मन एक शत्रु के समान ही कार्य करता है। तो इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। छात्रों, आप सब भी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे सही उच्चारण के साथ। उच्चारण सही करने से, बोलने से, बार बार बोलने से और कठिन शब्दों को रेखांकित करके लिखेंगे तो आप आगे अच्छी तरह से इसको पढ़ सकेंगे। तो इस पाठ का सारांश मैं आपको समझाना चाहती हूँ। महेश्वर नाम का एक व्यक्ति है, वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनती है और गांव में वह सबसे संपन्न किसान है, बहुत ही संपन्न है वह। और उसके खेत हरे भरे हैं, पशुधन, नौकर चाकर, सब कुछ उसके पास था, बहुत ही खुश था वो। उसे ये देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसके खेत हरे भरे हैं, बहुत सारा उसके पास पशुधन है, लेकिन उसके मन में कहीं एक कोने में अहंकार भी छुपा हुआ रहता था कि मेरे पास तो इतना धन है। और उसकी संपन्नता से गांव के लोग जो थे वह बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। वे ऊपर मन से तो सामने सामने विनम्र बने रहते थे, परंतु अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते थे। और वो जो महेश्वर था उनको विनम्रता से समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसका सबसे समीप का पड़ोसी जो था उसे हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता था। फिर एक दिन महेश्वर अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा हुआ था। कोई परदेसी किसान वहाँ से गुजर रहा था तो उसने बताया कि वो सतलुज के पार से आ रहा है, वहाँ बहुत सारी ज़मीन है, लोग वहाँ बहुत संपन्न हैं, वहाँ नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रही है, वहाँ रहकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी संपन्न हो जाते हैं, वहाँ के लोग संपन्न भी हैं और व्यवहारिक भी हैं, वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो और अधिक लोग वहाँ आके रह सके। इस तरह की बात उसने परदेसी किसान ने महेश्वर को बताई। तो महेश्वर जो था वो तो पहले से ही यहाँ के लोगों से परेशान था, उनके व्यवहार से असंतुष्ट था। तो एक दिन वह गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर चला गया जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े दिन की पंचायत सम्मिलित हुई, उसमें वो जमीन का पट्टा उसे प्राप्त हुआ और वह महेश्वर वहां रहने लगा, खेती करने लगा और वो और अधिक संपन्न हो गया। जमीन का पट्टा प्राप्त करने के बाद वो और मेहनत की और अधिक संपन्न हो गया और आराम से रहने लगा। और कहीं ना कहीं वो अपनी सफलता पर गर्व भी कर रहा था कि मेरी मेहनत जो है वह रंग लाई। परंतु कुछ ही समय के बाद
उसको अपनी संपन्नता से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उस संपन्नता का वो अभ्यस्त हो गया था और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन जो है वो पर्याप्त नहीं है, और ज़मीन होती तो वह और अधिक सुखी होता तथा और अधिक सुख सुविधा के साथ वह अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि उसे जितना सुख मिलता है वह उससे और अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है, यह मनुष्य का स्वभाव ही है। तो एक दिन वो बैठा हुआ था तो कोई सौदागर वहाँ उसके घर पे रात बिताने के लिए आया कि हमें यहाँ पर रात बिताना है, सुबह चले जाएंगे। रात व्यतीत करने के लिए महेश्वर के घर आया, अपना कारण बताया रुकने का। तो महेश्वर जो था प्रेम पूर्वक उसे भीतर लाया, उसके लिए बिस्तर लगाया, उसे भोजन कराया, और सौदागर जो था उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। और फिर वो लोग रात में बातें करने लगे, ज़मीन और खेती बाड़ी इन सब की चर्चा करने लगे। तो सौदागर ने बताया कि वह नेतानी नदी के उस पार से आ रहा है, वहाँ इतनी अधिक उपजाऊ ज़मीन खाली पड़ी है, जितनी चाहो उतनी जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही महेश्वर नेतानी नदी के पार की ज़मीन का किसान बनने के सपने देखने लगा कि वहाँ कितना मज़ा आएगा, इतनी सारी ज़मीन है। तो वहाँ के लोगों के वह सुबह अगले दिन वो सौदागर चला गया, तो वो जो महेश्वर था वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी कि वहाँ नेतानी नदी के पार वहाँ जाएंगे और बहुत सारी ज़मीन प्राप्त करेंगे और वहाँ सुख से रहेंगे। वहाँ के लोगों के लिए वह भेंट के लिए चाय के डब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य वस्तुएं ये सब ले ली, और घर की देखभाल का कार्य अपने पत्नी के ऊपर छोड़कर एक आदमी को अपने साथ लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। फिर 7 दिनों बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी, कोलों की बस्ती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, सब खाली पड़ी है, वहां के लोग खेती नहीं करते थे, पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार था। वहाँ के लोग सीधे साधे स्वभाव के थे। महेश्वर के ने साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर लोगों को खुश कर दिया, और वहाँ के लोग भी खुश हो गए कि ये महेश्वर आया, इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए लेकर आया है। फिर अगले दिन महेश्वर जो है वहाँ के मुखिया से मिला, वो कोलों के जो सरदार थे, वो बताया कि हम आपकी ज़मीन को देखकर बहुत खुश हुए हैं और मुझे ये ज़मीन खरीदनी है। बहुत अधिक वो खुश हुआ। तो फिर बोला, उसने पूछा कि इस ज़मीन की क्या कीमत है, ज़मीन की कीमत तो बताइए हम, लेकिन इस ज़मीन को मैं खरीदूँगा तो ये सारे जो होने चाहिए मुझे, अदालत में लिखा पढ़ी पक्की रसीद मुझे चाहिए, और इसका भाव क्या है ये बताइए, इसकी कीमत क्या है। तो उसने कोलों के मुखिया ने ज़मीन की कीमत बताते हुए कहा 1,000 रुपया प्रतिदिन। तो महेश्वर बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि ये कौन सा हिसाब है। बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है। तो फिर मुखिया ने समझाया, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो, एक दिन का मूल्य 1,000 होगा। एक शर्त और है, यदि तुम यहाँ से चलना शुरू करोगे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले लौटकर नहीं आ पाए तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1,000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। ये शर्त थी। महेश्वर ने सोचा कि दिन भर में तो बहुत सारी ज़मीन मैं ले सकता हूँ, बहुत ज़्यादा चल सकता हूँ।
वह तुरंत मुखिया के सर को मान लिया और जमीन लेने को वो तैयार हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई महेश्वर को कि सुबह मुझे जाना है, चलना है, जल्दी उठना है। ये सब सोचता सोचता उसे रात भर नींद नहीं आई थी। वो आगे के सपने देख रहा था बहुत सारे। फिर और सुबह उठते ही बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच गया। वो मुखिया भी वहाँ पे थे और वो टेकरी थी, ऊंची जगह थी, ऊंची पहाड़ी जैसी जगह थी। वहाँ से उसको चलना जो है वो आरंभ करना था। उसने अपनी रोएदार टोपी, कोलों के सरदार ने अपनी रोएदार टोपी उतार के उस टीले पर रख दी। बोली यहाँ से चलना तुमको शुरू करना है और जहाँ तक जाओगे वहाँ से वापस लौट के तुमको यहाँ आना है सूर्यास्त होने तक। तो वो जो है वो तो खुश था बहुत। महेश्वर सुबह चलता गया। फिर वो बीच में कहीं थोड़ी देर रुकता, थोड़ा पानी पीता, फिर वो आगे बढ़ता गया। ऐसे करके जब बहुत समय हो गया दोपहर के बाद, वो सोचने लगा कि लौटना चाहिए। लेकिन उसे और लालच आता जाता, नहीं अभी तो समय है, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा वहां तक। वो चलता गया, कहीं आराम नहीं किया, चलता गया। अंत में वो दोपहर के बाद लौटने लगा बहुत कि हाँ मुझे सूर्यास्त से पहले वहाँ तक टेकरी तक पहुँचना है। तो वो कहीं रुका नहीं, चलता गया। चलते चलते वो बहुत थक गया था, फिर भी कहीं नहीं रुका। अंत में वह वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर वो कोलों के सरदार की टोपी थी, वहाँ पहुँचा और वहीं पर आके गिर गया। तो कोलों के सरदार सभी लोग ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, वो पहुंच गया सूर्यास्त से पहले, अब इतनी ज़मीन बहुत अच्छी बात है, इतनी ज़मीन महेश्वर की होगी। तो महेश्वर का वहाँ पे आके महेश्वर थक कर इतना चुड़ गया, वहाँ पे गिर गया और गिर होके बेहोश हो गया। तो फिर वहाँ उसके आदमी ने देखा कि ये क्या हो गया, ये तो गिर गए हैं। तो फिर वो बोल देखा कि उसके मुँह से खून निकल रहा है, वो महेश्वर मर गया है, जीवित नहीं है। वो चलते चलते इतना थक गया था, परेशान हो गया, ये गिर के मुंह से उसके खून निकल आया। और उसके लोभ के कारण अगर वो कम दूर चलता और वापस आता तो उसे उतनी ज़मीन मिल जाती, लेकिन वो लोभ करता गया, चलता है पूरे दिन, चलता गया। इसके कारण वो थक कर चूर हो गया, गिर गया और वो मुंह से खून आया, वो मर गया। तो इसके कारण वो फिर वो बोलते आखिर कितनी ज़मीन चाहिए, उसको वहीं पर पास में ही दफनाया गया। और फिर उसके कोलों के सरदार ने वो कहा कि ये लोभ जो है बहुत बुरी चीज़ है, हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है पर लालच को नहीं। ये कहानी हमने सुनी, इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने के बहुत ही बुरे परिणाम होते हैं, बहुत ही बुरे परिणाम होते हैं। तो लालच बुरी बला है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ सुनेंगे आप लोग और उच्चारण करेंगे। प्रयोजन, उद्देश्य, विनम्र, बहुत विनीत या नम्र, संपन्न, धन धान्य, टेकरी, ऊंचा टीला, आस्तीन, कमीज, कुर्ता आदि का बांह का एक भाग, सहर्ष, हर्ष सहित, दुभाषिया, दो भाषाओं को जानने वाला, सौदागर, व्यापारी, मुखिया, नेता, भाव, मूल्य। अब ये है अभ्यास, लिखित के प्रश्न है। पहला, महेश्वर को अपने गांव में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? दूसरा, सतलज पार के गांव में जाकर महेश्वर किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था? तीसरा, कोलों की बस्ती में पहुँच कर महेश्वर ने उन्हें किस प्रकार प्रसन्न किया? चौथा, कोलों के मुखिया द्वारा महेश्वर को क्या
शर्त बताई गई वह महेश्वर ने उसका किस प्रकार पालन किया। पांचवा, महेश्वर की मृत्यु किसका मुख्य कारण क्या था। दूसरा प्रश्न है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। ये रिक्त स्थान भरना है। पहला, महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के रिक्त स्थान किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। दूसरा, महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से रिक्त स्थान था। तीसरा, लोगों ने महेश्वर का उत्साह से रिक्त स्थान किया। घ, कोलों के सरदार ने जमीन का भाव बताया 1,000 रुपये रिक्त स्थान। पांचवा, सूरज रिक्त स्थान से पहले तक जितनी जमीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, महेश्वर का आत्मविश्वास उच्च कोटि का था। ख, महेश्वर की महत्वाकांक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी। ग, अधिक लालच व्यक्ति का विवेक छीनकर उसे बुद्धिहीन बना देता है, यही महेश्वर के साथ हुआ। घ, जो संपन्न होकर अपने पड़ोसी धर्म का पालन नहीं करता उसके पड़ोसी प्रायः उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। पांचवा है, सैकड़ों एकड़ जमीन नापने वाले महेश्वर के काम केवल 2 मीटर जमीन आई। ये सही गलत है, ये कहानी आप पढ़ें समझें और ये आपको स्वयं करना है, रिक्त स्थान और सही गलत। चौथा प्रश्न है, ये सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो इसका है, क, महेश्वर से उसके गांव के लोग बैर करते थे क्योंकि पहला, महेश्वर उससे अनुचित व्यवहार करता था। दूसरा, महेश्वर ने उनकी भूमि पर कब्जा किया हुआ था। तीसरा, महेश्वर ने उनके विरुद्ध अदालत में अर्जी दी थी। उसके बाद है, ख, एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर महेश्वर ने प्राप्त कर लिया था, पहला, गांव में विशेषाधिकार, गांव के मुखिया का पद, तीसरा, जमीन का पट्टा। ग, महेश्वर कोलों के लिए उपहार लेकर गया क्योंकि पहला, कोलों ने उनसे उपहार मंगवाए थे। दूसरा, बिना उपहार प्राप्त किए कोल किसी से बात नहीं करते थे। तीसरा, वह कोलों के उपहारों द्वारा प्रसन्न करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता था। ग, महेश्वर ने कोलों के यहाँ सुबह की चाय पीने से इनकार कर दिया था क्योंकि पहला, उसे संदेह था कि कोल उससे चाय का अधिक मूल्य लेंगे। दूसरा, वह कोलों के यहाँ चाय नहीं पीना चाहता था। तीसरा, वह हर संभव प्रयत्न द्वारा समय बचाना चाहता था जिससे सूर्यास्त तक अधिक से अधिक जमीन नाप सके। अगला है, महेश्वर ने रूमाल से क्या निकाला। पहला, बिस्कुट, दूसरा, पैसा, तीसरा, रोटी। इसके बाद है, भाषा बोध, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छांटिए। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ प्रश्न है,
क लालची व्यक्ति। तो यहाँ पर लालची शब्द जो है वो विशेषण है, क्योंकि वो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, व्यक्ति संज्ञा है तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो लालची शब्द विशेषण है। उसी तरह से आप देखिएगा महत्वाकांक्षी महेश्वर, तो महत्वाकांक्षी। ग संपन्न किसान, संपन्न। अनगिनत तारे, अनगिनत। श्वेत पत्र, श्वेत। कठोर हृदय, कठोर। निराश मन, निराश। उत्साहित हृदय, उत्साहित। 2 मीटर जमीन, 2 मीटर। उपजाऊ धरती, उपजाऊ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य बनाने हैं बच्चों, आप लोग स्वयं वाक्य बनाइएगा। क असंतुष्ट, ख विनम्र, ग जुर्माना, घ लोकप्रिय। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नवाचक सर्वनामों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। क कब, ख कहाँ, ग किसने, घ क्या। चौथा प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों के वचन बदलकर पुनः वाक्य रचना कीजिए। क वह सिर्फ ऊपर से विनम्र बना रहता। ख उसको अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। ग वह चाहता है कि सभी उसकी इज्जत करें। तो इसमें जो भी सर्वनाम शब्द हैं उसका वचन बदला जाएगा और फिर उसी तरह से उसी के आधार पर वाक्य की रचना की जाएगी। जैसे वह का वे हो जाएगा, उसको का उनको, वह का वे, तो उसी के अनुसार वाक्य भी परिवर्तित कीजिएगा। इस तरह से आपने पढ़ा पाठ 3 जमीन की भूख। छात्रों आप सभी को प्रश्न उत्तर और सारे अभ्यास आपको अपनी पुस्तिका में करनी है। धन्यवाद।